धान से किसान भी कह रहा है मैं धान नहीं उगाना चाहता, मेरा पानी नीचे जा रहा है धरती वाला। तो जिम्मेदारी लेते हुए बींग ए हेड ऑफ द स्टेट पंजाब, बहुत शहद किया, बहुत एफर्ट अभी भी जा रही हैं जितनी देर तक ये क्लियर नहीं होता, लेकिन उसके लिए कोई एक जिम्मेदार आदमी नहीं है उसमें, ये नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम है। और अगले साल तक हमने अभी से लग गए हैं कि अगले साल बहुत सा एरिया, बहुत अभी मैंने 75 लाख एकड़ बोला है, 35 लाख एकड़ में पराली नहीं जलती, सिर्फ 40 लाख एकड़ में जलती है। 40 लाख एकड़ को भी हम कोशिश करेंगे कि कहीं और किसी और फसल का बदलाव हो जाए, किसान को उतने ही पैसे जितना धान बीज कर एक एकड़ से उसकी कमाई होती है किसी और फसल से हो जाए, चाहे तो वो सरसों हो, चाहे बाजरा हो, सूरजमुखी हो, पॉपुलर हो, सब्जियां हो, लेकिन मार्केटिंग चाहिए। तो इसके लिए हमने अभी से काम शुरू कर दिया। तो मैं एक बार फिर ये कहना चाहता हूँ कि सेंट्रल सरकार को मिलके बैठना चाहिए, ये नॉर्थ इंडिया का मुद्दा है, पूरे नॉर्थ इंडिया का मुद्दा है। जैसे कि सीएम साहब ने अभी शहरों के नाम गिनाए हैं, कुछ शहरों के नाम ऐसे हैं जो नए भी आए होंगे IQI में, AQI में, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में। सो मैं बतौर मुख्यमंत्री पंजाब आपको आश्वासन भी देता हूँ और जिम्मेदारी भी लेता हूँ कि जो पराली जल रही है उसका कोई ना कोई, हमने एफर्ट्स बहुत किए, कमी भी रह गई होगी, बहुत सी हमारी योजनाएं सफल हुई, बहुत सी नहीं भी सफल हुई, लेकिन किसानों के साथ बैठकर, उनके जथेबंदियों के साथ बैठकर हम अगले साल के लिए प्लान कर रहे हैं। और इस साल और कम हो और कम हो, अभी हमने वो छोड़ा नहीं है कि हम छोड़ रहे हैं कि ऐसे जला दो या को पर्चे दर्ज की बात है, पर्चे दर्ज करने से किसी भी चीज़ का इंडेक्स नहीं पता चलता आपको। अगर पर्चे कम दर्ज करेंगे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पराली कम जली है, अगर किसी ने कर पर्चे दर्ज नहीं किए इसका मतलब ये थोड़ी पराली जल गई, जब ज़्यादा पर्चे दर्ज के लिए इसका मतलब ये। तो मेरा मतलब ये है, किसान को ये भी ना लगे कि मैं अपराधी हूँ, किसान को अन्नदाता कहते हैं और अन्नदाता ही रखना है। ये जैसा अभी मान साहब ने कहा कि अभी भी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए जो भी आने वाले दिनों में कदम उठाने की ज़रूरत है हम उठाएंगे। तो दिल्ली में कल से हम प्राइमरी स्कूल्स बंद कर रहे हैं, प्राइमरी क्लासेस बंद कर रहे हैं जब तक स्थिति में सुधार नहीं हो जाता, और ऑड इवन के ऊपर विचार चल रहा है कि ऑड इवन करने की ज़रूरत है, अगर ज़रूरत होगी तो ऑड इवन को लागू किया जाएगा। आज सुबह मैं देख रहा था देश गुप्ता जी कह रहे थे कि वो एक दादा के नाते बोल रहे हैं और उनके उनका जो पोता है उसे दिक्कत हो रही है। मैं उन्हें भरोसा दिलाना चाहता हूँ आदेश गुप्ता जी कि आपका पोता मेरा भी पोता है, और भरोसा रखिए कि हम पूरी कोशिश करेंगे, मिलके कोशिश करेंगे कि किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, उसके स्वास्थ्य से संबंधित, उसकी ज़िंदगी से संबंधित। अगर कोई क्वेश्चन हैं एक दो तो। नहीं देखो, दो प्रस्ताव हमने भेजे थे, एक तो था कि 1500 आप दे दो, 500 दिल्ली गवर्नमेंट से ले लेंगे, 500 हम दे देंगे, 2500 रुपये पर एकड़ अगर उसको मिल जाएगा, वो दिहाड़ी वगैरह पे उसका खर्च होगा 1000 के आसपास, वो पराली को एक जगह पे रख लेगा, निकाल के अपनी फसल वो गेहूँ की बीज देगा, लेकिन वो प्रस्ताव माना नहीं है। फिर हमने कहा कि बहुत सी कंपनियाँ ऐसी हैं जो पराली से बिजली बनाना चाहती हैं, बायोगैस बनाना चाहती हैं, उनके लिए फेडरल गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें परमिशन चाहिए थी, वो भी इतनी जल्दी में हो नहीं पाई। अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं दोबारा कि चलो ये सीज़न हो गया तो अगला सीज़न तक तो कम से कम कर लें। तो हमारी तरफ से 1,20,000 हैप्पी सीडर्स बोलते हैं उसको, वो मशीनें चल रही हैं, मशीनों की अवेलेबिलिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम गुरुद्वारा साहब में भी अनाउंसमेंट करवाते हैं कि जिसको मशीन चाहिए इस गांव में मशीन, भाई 4 मशीन